दोस्तों आईपीएल का सीजन चल रहा है और आप अपने मनपसंद की टीम को जरूर सपोर्ट कर रहे होंगे। जहां पे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती है वहां पे कंपनीज अपने फायदे के लिए तो जरूर आती है। आजकल आपको हर जगह पे चर्चे सुनने के लिए मिलते होंगे ड्रीम 11 के। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी फैंटेसी क्रिकेट लीग के बारे में बताने वाला हूँ कि ये ड्रीम 11 क्या सही है, क्या ये लीगल है, क्या आपके लिए ड्रीम 11 खेलना सही होगा, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज आप ये वीडियो को जरूर पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को एडी स्टूडियोज पे, आइए जानते हैं। दोस्तों जिन लोगों को ड्रीम 11 के बारे में नहीं पता है उनको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। यहां पे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी टीम अगर खेलती है, सपोज आज का मैच है सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एक टीम बनानी होगी 11 लोगों की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप रोहित शर्मा को रख सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी को रख सकते हो, आपको 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन 100 पॉइंट्स में से आपको 11 खिलाड़ियों का चयन करना होगा और हर एक खिलाड़ी का कुछ पॉइंट होता है, 10 पॉइंट हो सकता है, 10.5 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो टोटल 100 क्रेडिट में से आपको एक टीम बनानी होगी, ठीक है। रियल में वो खिलाड़ी कैसे उस पर्टिकुलर डे में उस पर्टिकुलर फील्ड में खेलते हैं उसी के अनुसार आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आपकी रैंक होती है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं वहां पे आपको पैसे देने होंगे, फॉर एग्जांपल 5 रुपया आपको देना होगा, 10 रुपया देना होगा, 20 रुपया देना होगा, फिर आप पार्टिसिपेट करोगे उस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में। अगर आपकी रैंक एक सिलेक्टेड लिस्ट में आ जाती है तो आपको पैसे मिल जाते हैं और वो बड़ी रकम होती है, ठीक है। तो आपको मैं यहां पे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सट्टेबाजी है या फिर नहीं, आप खुद बताइए। पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया में और जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि ये जो गेम है ये सट्टेबाजी नहीं है, बैटिंग नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल है, इसमें गेम ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब जो कहा जाता है ना सो कॉल्ड खेलो दिमाग से, ये जो हम कहते हैं इसी के अनुसार गवर्नमेंट ने बता दिया है कि ये पूरी तरीके से लीगल है इंडिया में। लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहता हूँ आसाम में, ओडिशा में, तेलंगाना में ये इलीगल है, हम नहीं खेल सकते हैं। तो अगर ये पूरी तरीके से फेयर है तो इन सब जगहों पे हम इस गेम को लीगली क्यों नहीं खेल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पे आपको ये गेम देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आपको उनकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, ड्रीम 11 की साइट, वहां से आपको डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे ये गेम क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि गूगल की जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये अलग है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। गूगल कोई भी पे एंड प्ले गेम को प्ले स्टोर पे अलाउ नहीं करता है। पे एंड प्ले मतलब आप पैसे दोगे और आप खेलोगे, नहीं, ऐसा गेम वो अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में अगर वो कंपनी अच्छी नहीं है, अगर वो फ्रॉड निकली तो हो सकता है आपके पैसे वो ले जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रीम 11 फ्रॉड है या फिर खराब है, नहीं, जेन्युइन लग ही रहा है तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप पैसे देके खेलोगे एक तरीके से ये जुआ होता है, तो गूगल इस चीज को अलाउ नहीं करता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये सट्टेबाजी नहीं है। गवर्नमेंट का जो रूल है वो ये है कि कोई भी गेम अगर 100% पूरी तरीके से वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली आज 100 बनाएगा या फिर नहीं, अगर इस पर आप सट्टेबाजी करते हो तो ये पूरी तरीके से इलीगल है, ठीक है। इसको उन्होंने बता दिया है रूल से हटाने के लिए, ये गेम ऑफ स्किल है कि आपको यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ दिमाग आप इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप अपनी टीम सिलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको देखना है कि पिच कैसी है, जो प्लेयर्स है वो किस फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो क्या उनको अपनी टीम पे लेना चाहिए या फिर नहीं, वो सब थोड़ा सा स्किल रहता है। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि आप स्किल पे ही ये खेल रहे हो, नहीं, मेजॉरिटी इसमें लक ही रहता है। जितनी भी अच्छी फॉर्म में हो आपको पता नहीं चलेगा कि वो खिलाड़ी उस दिन कैसा खेलेगा। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ अगर आप ड्रीम 11 से 10,000 रुपया या फिर उससे ज्यादा कमाते हो तो उससे 31.2% टैक्स जो है गवर्नमेंट ले जाती है। मतलब अगर आप 10,000 कमाते हो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 6,880 रुपए। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है। देखिए जो कैसीनो खिलाता है, आप कैसीनो में जाके खेलते हो, जो कैसीनो खिलाता है, जो सट्टेबाजी करवाता है, जो जुआ खिलाता है, क्या उसका कभी नुकसान होता है? नहीं, उसका कभी नुकसान नहीं होता है, वो तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है। नुकसान किसका होता है? जो खेलता है। ड्रीम 11 ने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जहां पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, आप जाओगे वहां पे 2-3 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर पर्सन से अगर 5 रुपए भी वो लेते हैं ना तो कितनी बड़ी रकम हो जाती है। वहां से आधे लोगों को ही पैसे मिलते हैं और उनको प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे फायदा ड्रीम 11 का होगा, उनका कभी भी नुकसान नहीं होता है। गवर्नमेंट भी यहाँ से 31.2% टैक्स ले जाती है,
फायदा सबका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आपका। अगर आप हार जाते हो तो आपका पैसा चला जाता है, और ये प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। आप ये बात को नहीं डिनाई कर सकते हो कि ये लक का खेल है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सब अपना फायदा देख रहे हैं। कंपनी अपना फायदा देख रही है, गवर्नमेंट को उनके टैक्स मिल जाते हैं, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको भी पैसे मिलते हैं। नुकसान अगर किसी का भी होगा तो वो आपका होगा। तो इसलिए मेरा ओपिनियन बस यही है कि आपको ड्रीम इलेवन नहीं खेलना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी फैंटासी लीग, चाहे माई टीम इलेवन हो या फिर कोई भी पेड प्ले जो गेम है, आपको नहीं खेलना चाहिए। अगर आप बस ऐसे ही मजे के लिए खेल रहे हो तो छोटी मोटी रकम 5 रुपया 4 रुपया यही आप लगा के खेल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ये जो पैसे हैं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। अभी के बारे में बताऊं तो ड्रीम इलेवन बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। लगभग आपको 5 करोड़ यूजर्स मिल जाते हैं। बीसीसीआई ने मार्च 2019 को अनाउंस किया था कि ऑफिशियल पार्टनर इंडियन प्रीमियर लीग का जो है वो ड्रीम इलेवन ही है। साथ ही साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 4 साल तक रहने वाला है 2019 से। और अगर मैं आप सभी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बताऊं तो वहां पे भी ड्रीम इलेवन ने पार्टनरशिप कर दिया है। साथ ही साथ अलग स्पोर्ट्स जैसे हॉकी हो, प्रो कबड्डी हो, उनके साथ भी ड्रीम इलेवन ने पार्टनरशिप कर दिया है, और वहां से भी आप सट्टेबाजी कर सकते हो। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूं कि ये सट्टेबाजी ही होगा, क्योंकि आपको पता, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा खिलाड़ी कैसे खेलेगा। तो यही पूरी कहानी रही फैंटेसी क्रिकेट लीग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप जरूर इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।